Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. मैं हूं रुखसार शहजाद. सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस. इकदाम जारी हैं और उम्मीद है कि कोरोना वबा पर जल्द काबू पा लिया जाएगा. कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि उम्मीद है कि इस साल भी शहरी हुकूमत के साथ तआवुन करेंगे. कनाडा में कोरोना वायरस के सबब मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस की तकरीबात मुतासर हुई हैं. ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने लगा. एक ही रोज़ में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट. ऑन्टेरियो में हुकूमत ने सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी. कैनेडियन वज़ीर आज़म का चीन के ख़िलाफ़ मगरबी ममालिक के मुश्तरका महाज के क़याम का मुतालबा. चीन का कहना है कि कैनेडा खुद इंसानी हकूक़ का लम्बरदार बनने का अहल नहीं है. सर्द जंग की ज़हनियत के हामिल ममालिक दीगर मुल्कों के दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं. कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा. कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 19,95,809 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 30,206 हो गईं. तालिबान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन तहलील कर दिया. तालिबान हुकूमत ने वजारत पार्लिमानी उमूर भी ख़त्म कर दी. तालिबान का कहना है कि अगर मुस्तकबिल में ज़रूरत हुई तो हुकूमत ये इदारे बहाल कर देगी. उर्दवान हुकूमत तुर्क लीरा की कदर बहाल करने में कामयाब हो गई. करेंसी की कदर में 50% इजाफा हो गया. गुज़िश्ता 3 माह में तुर्क लीरा अपनी निस्फ कदर खो चुका था. दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी. मुतासर अफराद की तादाद 28 करोड़ से तजावुज़ कर गई. न्यूयॉर्क के अस्पतालों में कोरोना से मुतासर बच्चों की तादाद में इजाफा. हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ. ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नरम मुलायम और साफ. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. वाज़े रहे मुसलसल दूसरे साल कोरोना वबा ने कनाडा में क्रिसमस की तकरीबात को महदूद कर दिया है, क्योंकि मुल्क भर में खतरनाक ओमिक्रॉन वेरियंट तेजी से फैल रहा है. मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि पिछले साल की तरह इस साल भी क्रिसमस की तकरीबात को महदूद पैमाने पर मुनक़िद किया गया, क्योंकि कोरोना वायरस अभी तक टला नहीं है और इससे बचने के लिए एहतियाती इकदाम की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि पिछले साल भी शहरियों ने क्रिसमस की तकरीबात को महदूद पैमाने पर मना कर एहतियाती इकदाम में तकरीबात मुनक़िद की थी. उम्मीद है कि साल भी शहरी हुकूमत के साथ तआवुन करेंगे और अपनी तकरीबात को महदूद रख कर वबा को फैलने से रोकेंगे. उन्होंने कहा कि इकदाम जारी हैं और उम्मीद है कि कोरोना वबा पर जल्द काबू पा लिया जाएगा. वाज़े रहे मुसलसल दूसरे साल कोविड-19 वबा ने कनाडा में क्रिसमस की तकरीबात को कम कर दिया है, क्योंकि मुल्क भर में इंतहाई ट्रांसमिसिबल ओमाइक्रॉन वेरियंट स्विप हो रहा है. छुट्टियों से कबल मुतादित सूबों ने ओमिक्रॉन के असरात को कम करने की कोशिश में समाजी इज्तिमात पर पाबंदियाँ दोबारा मुतारिफ कराई हैं, जो सेहत आमा के हुक्काम के मुताबिक मामलात में तेजी से इजाफा कर रही हैं. ऑन्टेरियो में 10 से ज़्यादा अफराद अंदरूनी समाजी इज्तिमात में शिरकत नहीं कर सकते, जो 25 से कम है, और बैरूनी समाजी इज्तिमात में ज़्यादा से ज़्यादा 25 हाजरीन हैं, जो 100 से कम है. सूबे ने क्रिसमस से एक दिन कबल तकरीबन 9,600 इन्फेक्शन की इत्तला के साथ मुसलसल दूसरे रोज़ाना कोविड-19 इन्फेक्शन का नया रिकॉर्ड कायम किया. GTA के मुतादित क्लिनिक्स क्रिसमस के दिन शॉट्स का इंतजाम करते रहे. मेयर जॉन टॉरी और टोरंटो बोर्ड ऑफ हेल्थ की चेयरपर्सन जो क्रिसी ने हफ्ते की सुबह नॉर्थ यार्क में मिचल फील्ड कम्युनिटी सेंटर में उनमें से एक का दौरा किया और छुट्टियों में काम करने पर वहाँ के अमले का शुक्रिया अदा किया. ऑन्टेरियो की सेहत की हुकूम के मुताबिक सूबे में पहली बार रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. ओमिक्रॉन वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है. मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. ऑन्टेरियो के सेहत के हुकाम के मुताबिक सूबे में पहली बार रोज़ाना 10,000 से ज़ायद नए कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. ओमिक्रॉन वेरियंट तेज़ी से फैल रहा है. पब्लिक हेल्थ ऑन्टेरियो के आदाद शुमार के मुताबिक
सूबे में 10,412 COVID-19 केसेस और 4 अमवात रिकॉर्ड की गयी। ताज़ा तरीन आदादोशुमार जुमे को कायम करदा पिछले रिकॉर्ड से 841 केसेस के नस्बत कदर नुमाया इजाफे को जाहिर करता है, जब ऑनटेरियो में 9,571 केसेस रिपोर्ट हुए। सेहत के अहदेदारों ने मुतनबे किया है कि टेस्ट किट की बढ़ती हुई तलब की वजह से ताज़ा तरीन तादाद मुमकिन तौर पर केसों की हकीकी तादाद का कम अंदाज़ा है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार उस वक्त सामने आए जब सूबाई हुकूमत ओमिक्रॉन वेरियंट के तेज़ी से फैलाव को रोकने के लिए इकदामात कर रहा है। सेहत के अहदेदारों ने इस हफ्ते के शुरू में लोगों से कहा कि वो ओमिक्रॉन वेरियंट की वजह से अपनी तातीलात के इज्तिमात के हजम और तादाद को महदूद करें। डकपोर्ट हुकूमत ने भी हाल ही में ज्यादातर इंडोर मकामात पर सलाहियत की हद को कम कर दिया है, ताकि इज्तिमात के साइज को भी महदूद करने की कोशिश की जा सके, लेकिन अभी तक ये वाजे नहीं है कि आया ये इकदामात वायरस के फैलाव को रोकने के लिए काफी होंगे। नए रोजाना केसेस की 7 दिन की औसत तादाद अब 5,939 है, जो कि पिछले हफ्ते के 7 दिन की औसत से दुगनी तादाद है, जो 2,156 थी। जस्टिन ट्रूडो के बयान पर कनाडा में मौजूद चीनी सिफारतखाने ने रद्द अमल दिया कि सर्द जंग की जहनियत के हामिल ममालिक दीगर मुल्कों के दाखिली मामलों में मुदाखलत कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने चीन के खिलाफ मगरबी ममालिक के मुश्तरका महाज के क्याम का मुतालबा कर दिया है। कैनेडियन चैनल को इंटरव्यू में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कैपिटलिस्ट मईशत होने के नाते दोस्त ममालिक में मसाबकत जरूर है, बीजिंग को मगरबी ममालिक की दाखिली कशीदगी से मौशी फायदा उठाने से रोकना होगा। जस्टिन ट्रूडो के बयान पर कनाडा में मौजूद चीनी सिफारतखाने ने रद्द अमल दिया कि सर्द जंग की जहनीत के हामिल ममालिक दीगर मुल्कों के दाखिली मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। कनाडा खुद इंसानी हकूक का अलमबरदार बनने का अहल नहीं है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने हफ्ते के रोज नशर होने वाले एक इंटरव्यू में कहा कि मगरबी ममालिक को चीन के खिलाफ मुतहदा महाज बनाना चाहिए, ताकि एशियाई रियासत को तजारती मफादात को एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए इस्तेमाल करने से रोका जा सके। ट्रूडो ने कहा कि चीन मगरबी ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ खेल रहा है, क्योंकि वो मुल्क में इक्तिसादी मौके तक रसाई के लिए मुकाबला करते हैं। उन्होंने ग्लोबल टेलीविजन के साथ एक इंटरव्यू में कहा, हम मुकाबला करते रहे हैं और चीन वक्तन फवक्तन खुली मंडी में मसाकती अंदाज में बहुत चालाकी से हमें एक दूसरे से खेलता रहा है। हमें मिलकर काम करने और मजबूत खड़े होने का एक बेहतर काम करने की जरूरत है, ताकि चीन जावियों से खेल न सके और हमें एक दूसरे के खिलाफ तकसीम न कर सके। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 5,38,205 है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 19,95,809 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 30,206 हो गईं। मुल्क भर में 18,14,426 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ऑनटेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 6,89,840 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 10,199 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 5,38,205 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,667 तक पहुंच गई है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 3,46,705 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,299 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 2,35,658 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,414 है। तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने अफगानिस्तान का खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल कंप्लेंट कमीशन तहलील करने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान का इलेक्शन कमीशन तहलील कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने अफगानिस्तान का खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल कंप्लेंट कमीशन तहलील करने का ऐलान किया।
नायब तर्जुमान का कहना था कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में ये दोनों इदारे गैर जरूरी थे, अगर मुस्तकबिल में जरूरत हुई तो हुकूमत ये इदारे बहाल कर देगी। तालिबान हुकूमत ने वजारत पार्लिमानी उमूर भी खत्म कर दी है। इससे कबल तालिबान खवातीन के उमूर की वजारत भी खत्म कर चुके हैं। तालिबान ने अगस्त में इक्तदार संभाला था। अब तक किसी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। अक्वाम मुत्तहदा भी तालिबान की नशिस्त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। तुर्की में हुकूमती मुदाखलत के बाद तुर्किश लीरा की कदर में नुमाया इजाफा हो गया है। फाइनेंस मार्केट में अरबों डॉलर इनफ्लो के बाद तुर्किश लीरा की कदर 50% बढ़ गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। उर्दुमान हुकूमत तुर्क लीरा की कदर बहाल करने में कामयाब हो गई। करेंसी की कदर में 50% इजाफा हो गया। तफसीलात के मुताबिक तुर्की में हुकूमती मुदाखलत के बाद तुर्किश लीरा की कदर में नुमाया इजाफा हो गया है। फाइनेंस मार्केट में अरबों डॉलर इनफ्लो के बाद तुर्किश लीरा की कदर 50% बढ़ गई है। गुज़िश्ता 3 माह में तुर्क लीरा अपनी निस्फ कदर खो चुका था, मगर हुकूमती मदाखलत से फाइनेंस मार्केट में अरबों डॉलर इनफ्लो के बाद तुर्किश लीरा की कदर में बतदरीज इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के आगाज में तुर्किश लीरा मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सदा 11.4 पर था, मगर शरा सूद में गैर मामूली कमी पर लीरा की कदर में रिकॉर्ड कमी आई। उर्दुमान हुकूमत की स्कीम के तहत ज़र मुबादला तुर्किश लीरा में डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट करने वाले को नुकसान की तलाफी की जाएगी। इस स्कीम ने काम कर दिखाया और तुर्क आवाम ने $900 मिलियन को तुर्किश लीरा में बदल दिया। न्यूयॉर्क के अस्पतालों में कोरोना से मुतासर बच्चों की तादाद में 4 गुना इजाफा हो गया है। अस्पताल में दाखिल बच्चों की बड़ी तादाद को वैक्सीन नहीं लगी है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 28,03,91,309 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 54,18,570 हो गई। 25,05,09,908 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 8,37,854 अफराद मौत के मुँह में पहुँच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 5,32,22,424 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 4,97,997 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 3,47,93,333 मरीज सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 63वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,871 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,52,795 तक जा पहुंची है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.